नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आपको बता दें कि मात्र आपके लिए 24 घंटे रह गए हैं, सारा घमंड जलकर भस्म हो जाएगा। समय कम है, वीडियो जल्दी देखें वरना आगे आपको पछताना पड़ेगा, जो कि वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अनुरोध कर रहे हैं कि आपके फायदे के लिए वीडियो बनाई गई है, इसलिए अपनी जिंदगी का थोड़ा सा समय निकालकर इसे शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। साथ ही वीडियो के अंत में एक सटीक उपाय भी दिए गए हैं, जिन्हें जानकर आप इस दिन को और भी ज्यादा खास और बेहतर बना सकेंगे। तो आइए इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लें। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले जो भी भक्त सच्चे मन से वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय सूर्य महाराज लिखेगा, उन्हें भगवान सूर्य महाराज का सीधा आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो आप लिखना बिल्कुल भी ना भूलें, अवश्य लिख दें, भगवान सूर्य महाराज आपका कल्याण करें। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं आज के पंचांग के बारे में, फिर बात करेंगे आपका दैनिक राशिफल। तारीख है इस दिन 28 नवंबर 2021, दिन है रविवार और मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की नौमी तिथि है, जो कि यह रहेगा सुबह के 5:30 तक। इसके उपरांत कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि आरंभ हो जाएगी। नक्षत्र की बात करें तो पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र रहेगा और योग की बात करें तो विषकुंभ नामक योग रहेगा। चंद्रमा की जो स्थिति है वह रहेगा सिंह राशि में सुबह के 4:04 तक। इसके उपरांत कन्या राशि पर संचार करेगा। आज का शुभ समय यानी अभिजीत मुहूर्त की बात करें तो तकरीबन सुबह 11:53 पर शुरू होगा, 12:36 पर समाप्त होगा। यह समय में किसी भी प्रकार की महत्वपूर्ण और नए कार्यों की शुरुआत बिल्कुल कर सकते हैं। आज का अशुभ समय यानी राहु काल की बात करें तो राहु काल का समय रहेगा सुबह के शाम 4:15 से शाम 5:36 तक। यह समय में किसी भी प्रकार की महत्वपूर्ण और शुभ कार्य करने से बचिएगा, क्योंकि यह समय अशुभ माना जाता है। चलिए बात करते हैं आपका दैनिक राशिफल। यह समय किसी नजदीकी संबंध की समस्याओं को सुलझाने में आपकी विशेष भूमिका रहेगी तथा आपकी योग्यता व काबिलियत समाज के सामने आएगी और आपकी सराहना की जाएगी। इसके उपरांत आपके लिए जो समय होंगे दोस्तों, आपको बता दें कि यह समय संपर्कों का दायरा बढ़ेगा, तुरंत इन संपर्कों से लाभ उठाना आपकी क्षमता पर निर्भर करता है। इसके उपरांत विद्यार्थी वर्ग अपनी परीक्षा की तैयारी में व्यस्त रहेंगे और उसी में आप अधिक से अधिक मेहनत करेंगे। और इसके उपरांत यह समय सोशल मीडिया, व्हाट्सएप आदि के इस्तेमाल करते समय सावधानी बरतें और ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन इस समय आप ना करें, अन्यथा आप बड़ी मुसीबत में भी पड़ सकती हैं। आपको बता दें, यह समय प्रत्येक कार्य को बहुत ही धैर्य और संयमों से पूरा करने का प्रयास करें, व्यर्थ की गपबाजी से दूर रहें और समय की बर्बादी करने से आप थोड़ा बच के रहें। देखिए, व्यवसाय की बात करते हैं, हर समय प्रॉपर्टी संबंधित व्यवसाय में बेहतरीन दिन होने की संभावना नजर आ रही है, बस आपको थोड़ा सा सतर्क होकर काम करना होगा। इसके उपरांत आपके लिए जो समय होंगे दोस्तों, आपको बता दें कि सरकारी काम पूरे होंगे और किसी प्रकार की समस्याएं आपकी दूर होंगी। और यह समय युवाओं का कारोबार संबंधित
प्रयास सफल रहेगा और यह समय धन संबंधित मामलों में किसी भी प्रकार का समझौता न करें और लेन देन के वक्त सावधानी रखें। खासकर पैसों का लेन देन आज आप थोड़ा संभल कर और सतर्क होकर करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। बिना सोचे समझे आज आप पैसा कहीं भी इन्वेस्ट ना करें, अन्यथा पैसा आपका फंस सकता है। लव लाइफ की बात करती हर समय रिश्तों को मधुर बनाए रखने में आपका विशेष योगदान रहेगा और यह समय परिवार स्वस्थता की भी सुखद बनी रहेगी और प्रेम संबंधों में भावनात्मक नज़दीकियां बढ़ेगी। आपको बता दें कि माता पिता का आशीर्वाद इस समय आपको मिलेगा और सभी कामों में आपको सफलताएं मिलेगी। देखिए सेहत को लेकर बात करें तो यह समय आपकी उचित दिनचर्या व खान पान आपको स्वास्थ्य और ऊर्जावान बनाकर रखेंगे, परंतु पॉल्यूशन और ज़्यादा भीड़ वाले स्थान पर जाने से आज आप परहेज करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। फायदे की अगर बात करें तो आज आप अपने परिवार के किसी सदस्य की इच्छा की पूर्ति के लिए कोई महंगा तोहफा खरीद सकती हैं और आज का दिन आपके प्रभाव व प्रताप में वृद्धि का दिन रहेगा। आज आप अपनी बुद्धि से कुछ ऐसी नई खोज करेंगे जो आपके व्यापार में लाभदायक रहेंगी, लेकिन आज आपको अपने कुछ बढ़ते हुए खर्चों पर लगाम लगानी होगी। उपाय की अगर बात करें तो गायत्री मंत्र का जाप करें। आज आपका शुभ रंग नीला कलर है। भाग्यशाली अंक आज आपका 8 है।